मिठड़ी ने डोगरे दी बोली, मिठी ए डोगरे दिया बोली, ते खंड मीठे लोग डोगरे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी, मंत्रिमंडल में मेरे सहयोगी जितेंद्र सिंह जी, संसद में मेरे साथी जुगल किशोर जी, गुलाम अली जी और जम्मू कश्मीर के मेरे प्रिय बहनों, ते भाओ, जय हिंद। 1 बारी परती आई, इस दुग्गर भूमि पर आई आई, मिंगी बड़ा शैल लग्गा कर दे। डोगरे बड़े मिलनसार ने, ए जिन्ने मिलनसार ने, उन्नी गाय मिठी हिंदी भाषा है। तांगे ते डुग्गर दी कवित्री पद्मा सतदेव ने आखे दाए, मिठड़ी ने डोगरे दी बोली, मिठी ए डोगरे दिया बोली, ते खंड मीठे लोग डोगरे। साथियों, मैंने जैसा कहा, मेरा नाता करीब 40 साल से भी ज्यादा पुराना आप लोगों से लगातार रहा है। बहुत कार्यक्रम मैंने किए हैं, बहुत बार आया हूं, और अभी जितेंद्र सिंह ने बताया, इस मैदान में भी किया है। लेकिन आज का ये जन सैलाब, आज का आपका जुनून, आपका ये उत्साह, और मौसम भी विपरीत, ठंड भी है, बारिश भी हो रही है, और आप में से एक हिलता भी नहीं है, और मुझे तो बताया गया कि ऐसे 3 स्थान यहां पर है जहां पर बहुत बड़ी मात्रा में स्क्रीन लगा करके लोग बैठे हुए हैं। जम्मू कश्मीर के लोगों का ये प्यार, आप इतनी बड़ी संख्या में यहां दूर दूर से आए, ये हम सभी के लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद है। विकसित भारत को समर्पित ये कार्यक्रम सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है, आज देश के कोने कोने से, अनेक शिक्षण संस्थानों से हमारे साथ लाखों लोग जुड़े हैं। इतना ही नहीं, इस कार्यक्रम में अभी मुझे मनोज जी बता रहे थे कि 285 ब्लॉक्स में ऐसे ही स्क्रीन लगा करके वीडियो के माध्यम से इस कार्यक्रम को सुना जा रहा है, देखा जा रहा है। शायद एक साथ इतने स्थान पर बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज इतना बड़ा कार्यक्रम, और वो भी जम्मू कश्मीर की धरती पर। प्रकृति हर पल जगह चुनौती देती है, प्रकृति हर बार हमारी कसौटी करती है, वहां भी इतना आन बान शान के साथ कार्यक्रम होना, वाकई जम्मू कश्मीर के लोग अभिनंदन के अधिकारी हैं। साथियों, मैं सोच रहा था कि मुझे आज यहां भाषण करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी जम्मू कश्मीर के कुछ लोगों से मुझे जो बात करने का मौका मिला,
जिस उमंग से, जिस उत्साह से, जिस क्लैरिटी के साथ वो सारे अपनी बातें बता रहे थे, देश में जो भी व्यक्ति उनकी बातें सुनता होगा ना, उसका हौसला बुलंद हो जाता होगा, उसका विश्वास अमर हो जाता होगा और उसको लगता होगा कि गारंटी का मतलब क्या होता है, इन पांच लोगों ने हमारे साथ बातचीत करके सिद्ध कर दिया है। मैं उन सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, विकसित भारत, विकसित जम्मू कश्मीर को, इस सब मकसद को लेकर जो उत्साह है, वाकई अभूतपूर्व है। यह उत्साह हमने विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान भी देखा है, जब मोदी की गारंटी वाली गाड़ी गांव गांव तक पहुंच रही थी तो आप लोगों ने उसका शानदार स्वागत किया। जम्मू कश्मीर के इतिहास में ये पहली बार हुआ जब कोई सरकार उनके दरवाजे पर आई है। कोई भी सरकार की योजना के लाभ, कोई भी जो उसका हकदार है वो छूटेगा नहीं, और यही तो मोदी की गारंटी है, यही तो कमल का कमाल है। और हमने संकल्प लिया है विकसित जम्मू कश्मीर का। मुझे आप पर विश्वास है, हम विकसित जम्मू कश्मीर बना करके ही रहेंगे। 70 साल से अधूरे आपके सपने आने वाले कुछ ही वर्षों में मोदी पूरे करके देगा। भाइयों और बहनों, एक वो दिन भी थे जब जम्मू कश्मीर में से सिर्फ निराशा की खबरें आती थी, बम बंदूक अपहरण अलगाव, ऐसी ही बातें जम्मू कश्मीर का दुर्भाग्य बना दी गई थी। लेकिन अब आज जम्मू कश्मीर विकसित होने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। आज ही यहां 32,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स, उसका शिलान्यास और कुछ का लोकार्पण किया गया है। ये शिक्षा, कौशल, रोजगार, सेहत, उद्योग और कनेक्टिविटी से जुड़े प्रोजेक्ट्स हैं। आज यहां से देश के अलग अलग शहरों के लिए और भी ढेर सारी परियोजनाओं का उद्घाटन हुआ है। अलग अलग राज्यों में IIT और IIM जैसी संस्थाओं का विस्तार हो रहा है। इन सारी विकास परियोजनाओं के लिए जम्मू कश्मीर को, पूरे देश को, देश की युवा पीढ़ी को बहुत बहुत बधाई। आज यहां सैकड़ों नौजवानों को सरकारी नियुक्ति पत्र भी सौंपे गए हैं। मैं सभी नौजवान साथियों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, जम्मू कश्मीर बहुत दशकों तक परिवारवाद की राजनीति का शिकार रहा है। परिवारवाद की राजनीति करने वालों ने हमेशा सिर्फ अपना स्वार्थ देखा है,
आपके हितों की चिंता नहीं की है और परिवारवाद की राजनीति का सबसे ज्यादा अगर कोई नुकसान उठाता है तो हमारे युवा उठाते हैं, हमारे नौजवान बेटे बेटी उठाते हैं। जो सरकारें सिर्फ एक परिवार को आगे बढ़ाने में जुटी रहती हैं, वो सरकारें अपने राज्य के दूसरे युवाओं का भविष्य ताक पर रख देती है। ऐसी परिवारवादी सरकारें युवाओं के लिए योजनाएं बनाने को भी प्राथमिकता नहीं देती। सिर्फ अपने परिवार की सोचने वाले लोग कभी आपके परिवार की चिंता नहीं करेंगे। मुझे संतोष है कि जम्मू कश्मीर को इस परिवारवादी राजनीति से मुक्ति मिल रही है। भाई और बहनों, जम्मू कश्मीर को विकसित बनाने के लिए हमारी सरकार गरीब, किसान, युवा शक्ति और नारी शक्ति पर सबसे ज्यादा फोकस कर रही है। उस बच्ची को परेशान मत करो भाई, बहुत छोटी गुड़िया है। अगर यहां होती मैं उसे बहुत आशीर्वाद देता, लेकिन इस ठंड में उस बच्ची को परेशान मत कीजिए जी। कुछ समय पहले तक यहां के नौजवानों को उच्च शिक्षा के लिए, प्रोफेशनल एजुकेशन के लिए दूसरे राज्यों में जाना पड़ता था। आज देखिए, जम्मू कश्मीर शिक्षा और कौशल विकास का बहुत बड़ा केंद्र बनता जा रहा है। बीते 10 वर्षों में देश में शिक्षा को आधुनिक बनाने का जो मिशन हमारी सरकार ने चलाया है, उसका आज यहां और विस्तार हो रहा है। मुझे याद है, साल 2013 के दिसंबर में, जिसका जितेंद्र जी अभी उल्लेख कर रहे थे, जब मैं बीजेपी के ललकार रैली में आया था, तो इसी मैदान में आपसे कुछ गारंटी देके गया था। मैंने सवाल उठाया था, क्या जम्मू में भी आईआईटी और आईएम जैसे आधुनिक शिक्षा संस्थान क्यों नहीं बन सकते? वो वायदे हमने पूरे करके दिखाए। अब जम्मू में आईआईटी भी है और आईआईएम भी है, और इसलिए लोग कहते हैं मोदी की गारंटी, यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। आज यहां आईआईटी जम्मू के एकेडमिक कॉम्प्लेक्स और हॉस्टल का लोकार्पण हुआ है। मैं देख रहा हूं नौजवानों का उत्साह अद्भुत दिखता है। इसके साथ साथ आईआईटी भिलाई, आईआईटी तिरुपति, ट्रिपल आईटी डीएम कुर्नूल, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्कूल कानपुर, उत्तराखंड और त्रिपुरा में सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी के परमानेंट कैंपस का भी लोकार्पण किया गया है। आज आईआईएम जम्मू के साथ साथ आईआईएम बोधगया बिहार में और आईआईएम विशाखापट्टनम कैंपस आंध्र में, उसका भी उद्घाटन यहीं से हुआ है। इसके अलावा आज एनआईटी दिल्ली, एनआईटी अरुणाचल प्रदेश, एनआईटी दुर्गापुर, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, आईआईएससीआर बहरामपुर
IIIT लखनऊ जैसे उच्च शिक्षा के आधुनिक संस्थानों में एकेडमिक ब्लॉक्स, हॉस्टल, लाइब्रेरी, ऑडिटोरियम ऐसी कई सुविधाओं का भी लोकार्पण हुआ है। साथियों, 10 साल पहले तक शिक्षा और कौशल के क्षेत्र में इस स्केल पर सोचना भी मुश्किल था, लेकिन ये नया भारत है। नया भारत अपनी वर्तमान पीढ़ी को आधुनिक शिक्षा देने के लिए ज्यादा से ज्यादा खर्च करता है। बीते 10 साल में देश में रिकॉर्ड संख्या में स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज का निर्माण हुआ है। यहां जम्मू कश्मीर में ही करीब 50 नए डिग्री कॉलेज स्थापित किए जा चुके हैं। 50 ऐसे 45,000 से ज्यादा बच्चों का स्कूल में दाखिला कराया गया है, और ये वो बच्चे जो पहले स्कूल नहीं जाते थे। और मुझे खुशी है कि इन स्कूलों का सबसे ज्यादा फायदा हमारी बेटियों का हुआ है। आज वे घर के पास ही बेहतर शिक्षा हासिल कर पा रही है। एक वो दिन थे जब स्कूल जलाए जाते थे, एक आज का दिन है जब स्कूल सजाए जाते हैं। और भाई और बहनों, आज जम्मू कश्मीर में स्वास्थ्य सेवाओं में भी तेजी से सुधार हो रहा है।